नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी डॉट इंग्लिश यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस हाउ टू वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए किसी मकान, किसी प्लॉट या फिर किसी भी लोकेशन में जहां पर आप लोग खड़े हुए हैं उसकी डायरेक्शन को पता करना चाहते हैं, यानी कि उसकी दिशा को ज्ञात करना चाहते हैं, तो आप लोग कैसे उसकी डायरेक्शन यानी कि दिशा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर से देखिए, किसी भी लोकेशन की डायरेक्शन या फिर दिशा को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फोन पे आना होगा और हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल फोन पे। तो यहाँ पर ही देखिए, जैसे आप लोग अपने मोबाइल फोन पे आएंगे तो आप लोगों को अपने मोबाइल फोन से गूगल प्ले स्टोर को खोलना है और यहाँ पर एप्लीकेशन सर्च करनी है कंपास। जैसे ही आप लोग कंपास लिख के इसमें सर्च करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर से दुनिया भर की एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। आप लोग किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्शन यानी कि दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जिस एप्लीकेशन के द्वारा बता रहा हूँ उसका नाम है डिजिटल कंपास। अगर आप लोग भी इसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों को इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर से क्लिक कर इस एप्लीकेशन को डायरेक्ट अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से इस एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे तो आप लोगों को आपके मोबाइल फ़ोन पे एक डिजिटल कंपास देखने को मिलेगा। और ये जो मेरे उसमें जो डिजिटल कंपास है ये अभी हिलते हुए दिख रहा है क्योंकि मैं अपने मोबाइल फ़ोन को हिला रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर से देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पर आप लोगों को टॉप पर जो लोकेशन, जिस भी लोकेशन की आप लोग दिशा ज्ञात करना चाहते हैं वो लोकेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। मेरे केस में यहाँ पर दिखा रहा है हल्दीखाल रोड। अगर आप लोग इसके बगल में बने हुए आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से उस एड्रेस को आप लोगों को दिखाएगा जिस भी एड्रेस में आप लोगों का मोबाइल फ़ोन मौजूद है, यानी कि आप लोग उस मोबाइल फोन को पकड़े हुए मौजूद हैं। तो यहां पर आप लोगों को उसका एड्रेस दिखाएगा और उसके नीचे आप लोगों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू दिखाएगा कि किस लैटिट्यूड और किस लॉन्गिट्यूड में आप लोग खड़े हुए हैं, यानी कि आप लोगों का मोबाइल फोन मौजूद है। नीचे आप लोगों को गूगल मैप दिखाएगा और गूगल मैप से आप लोग जान सकते हैं कि उसकी जो लोकेशन है वो क्या है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर से इसको करते हैं बैक। और उसके बाद आप लोगों को बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर से देखिए, अगर आप लोग इसको जानना चाहते हैं कि आप लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर से क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने किसी प्लॉट या फिर किसी मकान का दिशा ज्ञात करनी है कि उसकी वास्तु के हिसाब से जानना चाहते हैं कि उसकी दिशा, मतलब उसका जो फ्रंट है वो किस दिशा में है, तो उसके लिए अगर आप लोगों के पास उसका मैप है तो बहुत ही अच्छा है। आप लोग उसका मैप जो है उसका प्रिंट आउट लेके आइए और उसको सेम उसी घर पे या फिर उसी प्लॉट पे वैसे प्लेस कर दीजिए जैसे वो बना हुआ है या फिर बनने वाला है। तो आप लोग उसको किसी एक फ्लैट सरफेस पे रख दीजिए उस नक्शे को और उसके ऊपर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को रख दीजिए। जैसे ही आप लोग उसको उसके ऊपर अपने मोबाइल फ़ोन को रखेंगे तो फिर यहाँ पर से आप लोगों को कंपास में जो है वो ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर से मैं भी आप लोगों को दिखाऊं तो मैंने अपना मोबाइल फ़ोन उठा लिया तो यहाँ पर से आप लोगों को एक सेंटर पे एक डॉट दिख रहा होगा। इस डॉट को आप लोगों ने यहाँ पर सेंटर पे एक प्लस का जो आपको आइकन दिख रहा है इसके बिल्कुल सेंटर पे रखना है। तो जैसे आप लोग इसको किसी फ्लैट सरफेस पे रखेंगे तो ये खुद ही इसको अलाइन कर लेगा और जैसे ही ये इसको अलाइन कर लेगा तो मतलब यहाँ पर से ये सेंटर में आ चुका है और आप लोगों ने अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो किसी एक फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ है। तो जैसे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को किसी फ्लैट सरफेस पे रखेंगे तो उसके बाद यहाँ पर से देखिए, जैसे हम लोग नॉर्मल जो कंपास होता है उस कंपास में एक लाल रंग की सुई टाइप की होती है, जो लाल रंग होता है वो पॉइंट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। ऐसे ही इस डिजिटल कंपास में यहाँ पर आप लोगों को एक लाल रंग का पॉइंटर दिख रहा होगा, ये पॉइंट कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन को। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन को हल्के हल्के घुमाना है और इस लाल रंग के पॉइंटर को 0 डिग्री पे लेके आना है। तो जैसे आप लोग इसको 0 डिग्री पे लेके आएंगे तो इसका मतलब जहाँ को ये पॉइंट कर रहा है ये एक नॉर्थ डायरेक्शन है और इसके जस्ट अपोजिट में साउथ डायरेक्शन है। आप लोगों को यहाँ पर से 180 में देखने को मिल रहा होगा और इसके जो ये कंपास है इसके ईस्ट में, मतलब 90 डिग्री में आप लोगों को ईस्ट देखने को मिलेगा और 270 डिग्री में आप लोगों को वेस्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर से पता चल जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सी साउथ है, कौन सी ईस्ट है और कौन सी वेस्ट है। अगर आप लोगों को जानना है कि नॉर्थ ईस्ट कौन सी है तो आप लोगों को यहाँ पर से ये जो डायरेक्शन दिख रही है ये नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ ईस्ट है और यहाँ पर ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। तो आप लोग यहाँ पर से इस कंपास की हेल्प से अपने नक्शे में जान सकते हैं या फिर अगर आप लोग नॉर्मली ही जानना चाहते हैं कि आप लोग जिस लोकेशन पर खड़े हैं उस लोकेशन में आप लोगों ने जो फेस कर रखा है वो किस ओर को कर रखा है, तो आप लोग यहाँ पर से इस कंपास का इस्तेमाल करते हुए इसको जान सकते हैं कि आप लोग का जो फेस है वो कौन सी साइड है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोग के काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन पर क्लिक कर इसको जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में वाली घंटी को जरूर से दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए।
इससे होगा कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।